वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएनटी एसटी और पीएनएसटी के प्री एग्ज़ाम जो है, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे। यही कमेंट था बहुत सारे स्टूडेंट का, तो चलिए आज उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्री नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे। हमारा जो वन तो पहला तो है जीएनटी एसटी, दूसरा है पीएनएसटी, ठीक है, और एक तीसरा भी है एएनएम टीएसटी। ये तीन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अब इनके फॉर्म कब भरे जाएंगे ये सब जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, आज हो चुका है, अभी ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये 10 जून, कितनी जून, 10 जून को, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, आज 10 जून हो चुका है। और आज का जो भी स्टेटस अभी जो है उनको हम चेक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। 10 जून हो चुका है, जबकि पहले फॉर्म भर जाते थे जून के फर्स्ट में, और आज डिले हो गए 10 डेज, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो तो पता ही है कि कोविड-19, ठीक है, सब जानते हैं इसको, वो ऐसा नहीं जो नहीं जानता होगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे आपकी अपनी वेबसाइट पर, अभी ओनली 3 बस, सेकंड 3 ऑनलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, DAHET का और PVFT का ऑनलाइन हो रहा है, और ये प्री स्कूल वाला है, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी कि इसको भरा जा सकता है अभी फ़िलहाल, ठीक है, जिसकी डेट यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो कि 9 से 23 तक है, ठीक है, 9 से 23 तक यहाँ पर डेट इसमें दी हुई है। सो इसका जो एग्ज़ाम है आप देख पा रहे होंगे कि 18-19 जुलाई को है, ठीक है, जुलाई को, 18-19 जुलाई को है। तो अभी यही ऑनलाइन हो रहे हैं, और बाकी जो कंडीशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगले मंथ में कौन सा एग्ज़ाम होगा, जुलाई में ओनली एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है PPT वाला, इसके बाद अगस्त में दिया हुआ है प्रे एग्रीकल्चर टेस्ट PAT वाला, ठीक है, और इसके बाद ग्रुप जो फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन होते हैं ना, इनके दिए हुए, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि GNST PNST का कोई भी दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे में लेकर स्टूडेंट चिंतित है। थोड़ा सा आगे भी अगर हम देख पाते हैं तो टूमर तक भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट यहाँ पर ITI और जो कि अदर एग्ज़ाम है उनका दिया हुआ है, बट हमारा जो मेन मकसद है GNTST PNST और NMTST इनका कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इन फ्यूचर, ठीक है। ये जो शेड्यूल होता है ना, मैं आपको बता दूँ, ये इन फ्यूचर के एग्ज़ाम में होने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट चिंतित है कि फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी रियल एग्जिट आपकी वेबसाइट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वाली, ठीक है। अब खुद इसी ने नहीं कह रखा कि एग्ज़ाम कब होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा, ठीक है। तो अभी तक जो संभावना है, अकॉर्डिंग टू, अभी ईमेल किया था मैंने इसको, अभी जो संभावना है ना, मैंने आपसे बोला अभी तक कि प्लीज़ स्टूडेंट आप लास्ट जून तक वेट कर लो बस। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात वेट ही कर रहे हो, आपको तैयारी करनी है, वेट का मतलब जम के तैयारी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ये मान के कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये नहीं सोचना आपको कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट जून तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी, ठीक है, और हमेशा मोटिवेट रहे और तैयारी उसी प्रकार करें। देखो पिछले साल का हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, पिछले साल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर GNTST और PNST का दिया हुआ है, और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे वो 1 जून से स्टार्ट हो गए थे, देख लो यहाँ पर, और 15 जून तक, यानी कि 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको, ठीक है, हमारे कंप्लीट हो गए थे, यानी कि 1 जून से स्टार्ट हो गए, और आज हो गया 10 जून 2020, बट कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोविड-19, और इसके एग्ज़ाम डेट थी वो थी जुलाई में हो गया था एग्ज़ाम, 8 जुलाई को, ठीक है, और रिजल्ट आ गया था 27 जुलाई को, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम तो हमारे 2019 में हो गए थे, और आज हो चुका है 10 जून, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इस वेबसाइट पर, मैंने खूब चेक किया, बट कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जो पहले लिंक था ना वो भी गायब हो गया गाइस अब तो,
पहले लिंक शो हो रहा था कि GNST और PNST का एग्ज़ाम इन फ्यूचर इस डेट को होने वाला है, कुछ संभावनाएं थी जुलाई मंथ में, बट वो भी नहीं आ रहा। तो अब इसको देखते हुए मैंने वीडियो भी बना दिया था पहले कि होगा या नहीं होगा। अगर देखो स्टूडेंट नहीं होता है ना, आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मान लो प्री एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आपका जो एडमिशन होगा फिर वो 12th बेस पे होगा। सीधी सी बात है, 12th बेस पे 12th की परसेंटेज देखी जाएगी, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। अगर आपके 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो प्लीज़ यही कहूँगा कि लास्ट जून तक वेट कर लो, बस लास्ट जून कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी, ठीक है। अभी ये एग्ज़ाम आप देख पा रहे होंगे, इनमें भी कंफर्म नहीं है। देखो इनमें ये देखिए कुछ ना कुछ सूचना यहाँ पर दी हुई है, ये देखिए टेंटेटिव डेट और की फाइनेंस आफ्टर द अप्रूवल कंफर्म डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इन एग्ज़ामों के बारे में। सो ज़रूर कुछ ना कुछ लिंक आएगा, ये सोच के चले आप, और कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ना लाए, ठीक है। और ज़रूर आएंगे फॉर्म, ये मान के चले आप, तैयारी करते रहे। अगर आप इनके अलावा अदर एग्ज़ाम के फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो, इनके फॉर्म भर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, भरना चाहो तो। अगर नहीं भरना चाहो तो तैयारी उसी प्रकार जारी रखे कि हमको तो GNTST और PNST का भरना है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको तैयारी जारी रखनी है। अब आपका जो क्वेश्चन था कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे GNTST PNST के, सो इसके लास्ट जून तक चांस है, ठीक है, लास्ट जून। अगर लास्ट जून तक नहीं आए तो फिर चांस समझ लेना बहुत कम है, ठीक है, बट आप लास्ट जून तक वेट कर लो, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो अभी 10 जून हो गया है, तो देख लेते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आएगी उनको लेकर। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा ना, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, चेक कर लो आप कितना भी नहीं आई हुई है, ठीक है। तो ऐसे में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, टेंशन करने वाली कोई भी बात नहीं है, एग्ज़ाम आपका होगा ये मान के चलिए। और जितना हो सके कौन सा भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो, यहाँ पर GNTST या फिर PNST, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तैयारी जारी रखें, रोके नहीं, रुक गए तो समझो थोड़ा कुछ बेकार हो गया, तैयारी जारी रखे, बस मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अगर आप तैयारी जारी रखोगे ना तो इसके जो अदर एग्ज़ाम में आपको एडमिशन चाहिए BS नर्सिंग में, ठीक है, GNM में, ठीक है जी, तो आप जो BHU है वहाँ अप्लाई कर देना, जिमर है वहाँ अप्लाई कर देना, राजस्थान है RUHS वहाँ अप्लाई कर देना, अगर आपकी तैयारी है तो। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप कहीं कभी नहीं रहोगे, इसलिए तो कहता हूँ कि तैयारी जारी रखो, ठीक है, जारी रखो, ठीक है। इतना कुछ मैंने बता दिया, फिर आपकी मर्जी है। और कोई भी डाउट तो कमेंट कर सकते हो कि आपके फॉर्म कब भरेंगे, तो मैं यही कहूँगा लास्ट जून तक चांस है जे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो किस प्रकार से आपको पढ़नी है, जाइए डिस्क्रिप्शन में और प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।